इसके बाद जल्दी से हम देखते हैं एंटीबायोटिक। तो मैंने अभी अभी आपको बताई कि एंटीबायोटिक दरअसल में वे रासायनिक दवाएं हैं या वे केमिकल दरअसल में मेडिसिन है जो कि एनिमी बैक्टीरिया जिनको कहते हैं पैथोजन जो रोग क्रिएट करते हैं या हमारे ब्लड में मौजूद होकर हमको डिसीज प्रोवाइड कराते हैं उनके नंबर को या उनकी ग्रोथ को सडनली स्टॉप कर देती हैं। मतलब एंटीबायोटिक और दोज मेडिसिन जो कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, पैथोजन को किल करती हैं। लेकिन याद रखिएगा एंटीबायोटिक हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बैक्टीरिया को 95% किल करेंगी, 2-3% प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को खत्म करेंगी और 1-2% जो है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करेंगी। हमेशा याद रखिएगा एंटीबायोटिक दवाओं से वायरस को किल नहीं किया जा सकता क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करती है। या जीवाणु जनित समस्याओं को यदि सॉल्व करना है तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लें वो सेफ होंगी। सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा इसे पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 में इसे खोजा था और वो भी खोजा नहीं था, ये गलती से ही दरअसल में उनके सामने ये खोज आ गई थी। दरअसल में उनको सर्दी थी, सर्दी का कारण वो जानना चाहते थे तो अकस्मात उनके सामने ये एकदम से मिस्टीरियस जो ऑब्जेक्ट है या मिस्टीरियस जो रहस्य है प्रकृति का ये एकदम से उद्घटित हो जाता है। तो इसके बारे में सोचिए, एमपीपीसीएस ने ऑलरेडी 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा था कि वो कहानी बताइए जो पेनिसिलिन के कारण पेनिसिलिन की खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हालांकि अभी टाइम नहीं है, इसको अपन कभी बाद में और डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात अच्छे तरीके से सुनेगा, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है, सबसे पहली एंटीबायोटिक एक कवक से प्राप्त की गई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, कवक का नाम है और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ही निकाला गया था पेनिसिलिन को। लेकिन सब वर्तमान समय में जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो हम अब कवक से प्राप्त नहीं करते, वो जीवाणुओं से प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आज के समय की एंटीबायोटिक को हम जीवाणुओं से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहली वो मेडिसिन या सबसे पहली वो एंटीबायोटिक जिसको पहली बार हमने किसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। साल 1942 में वॉक्समैन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी और जी हाँ, साल 1942 में खोजी गई दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। मतलब कवक से प्राप्त की गई सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और बैक्टीरिया से प्राप्त की गई सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक वे मेडिसिन है जो कि सूक्ष्म जीवों की संख्या को बहुत हद तक समाप्त करने में मददगार होती। इसके बाद अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर हम निश्चित रूप में बैक्टीरिया संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी पे वायरल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक दवाओं से काम नहीं चलेगा, हमको इंटरफेरॉन प्रोटीन लेनी पड़ेगी। और नो डाउट इंटरफेरॉन प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनकी खोज 1957 में लिंडरमैन साइंटिस्ट ने की थी और निश्चित रूप में 1957 में लिंडरमैन साइंटिस्ट ने इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज के साथ में पूरी दुनिया को बताया कि जिस तरह से जीवाणुओं के नष्ट करने में या जीवाणुओं के विनष्टीकरण में यदि एंटीबायोटिक सहायक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था, ठीक उसी तरह से वायरस के डिस्ट्रक्शन में या वायरस के विनष्टीकरण में इंटरफेरॉन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 3 मार्कर की सीरीज के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन और निश्चित रूप में जितने क्वेश्चनों को हमने किया।